ये जो आप बरसाती जैसे शोएब अख्तर मुंह से फायरिंग करता है, इसी तरह आप भी फायरिंग ना करें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, कोई ऐसी बात नहीं है। बाकी अब सेंसेशनलिज्म जिसने फैलाना है फैलाए, इसका कोई तलक नहीं सिक्योरिटी ब्रीच तो हो गई ना बड़ों की, बीसीसीआई की बैठक बांग्लादेश टूर के हवाले से भी सारी बातें हो गई, चेक कर लें अगर मेरी बात गलत हो। अब केएल राहुल कप्तान है, रोहित शर्मा पहले टेस्ट से तो कंफर्म आउट है। धवन इज प्लेइंग जस्ट बिकॉज ही इज फ्रेंड ऑफ रोहित शर्मा। धवन पूरा मोमेंटम खराब कर देता है जनाब, अपनी जगह के लिए टीम को बर्बाद कर देता है जनाब। क्या राहुल किसका दोस्त है? बहुत गुड प्लेयर है और एक दिन वर्ल्ड कप जिताएगा। जी जी जरूर जरूर, अगर एक ही टीम का हुआ तो। एक ही टीम का क्या हुआ? गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद। इंग्लैंड की सिक्योरिटी को लेकर कई सारे सवाल उठ रहे हैं। कल रात से जब से कुछ धमाके सुनाई दिए, कुछ फायरिंग सुनाई दी होटल के करीब जहां इंग्लैंड ठहरी हुई है, लेकिन यहां तो मैच हो रहा है भाई। मुल्तान में 115 पर 2 विकेट गंवा भी चुकी है इंग्लैंड। तो सिक्योरिटी कैसी है पाकिस्तानी मीडिया की नज़र से देखेंगे सुनेंगे। और इसके साथ ही केएल राहुल है कप्तान नया सिर्फ थर्ड ओडीआई में। अभी हालांकि थर्ड ओडीआई के लिए ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं आई कि कौन कप्तान होगा। अगर आप जाकर देखेंगे तो अभी भी कप्तान रोहित शर्मा ही शो हो रहे हैं, लेकिन राहुल द्रविड़ साहब ने क्लियर कर दिया था कि तीनों, कौन कौन से तीनों आपको पता है, नहीं खेल पाएंगे तीसरा ओडीआई। तो इस केस में भाई केएल राहुल ही हो सकते हैं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में केएल राहुल होंगे कप्तान क्योंकि रोहित शर्मा नहीं खेलेंगे। और भी कई सारे अपडेट्स हैं, पहले यही देख लेते हैं, उसके बाद उन पर बातचीत जारी रखते हैं। कि ये भाईजान वो फायरिंग जो है वो उस पर सुना है कि कुछ हुआ है, ये भाईजान ही बताएंगे, वो कोई दूर कहीं आपस में, यहाँ पे थोड़ा है गन कल्चर। ओ भाई, ग्रुप्स की फायरिंग है, उसका कोई तल्लक नहीं है ना इंग्लैंड, सेम सिक्योरिटी प्लान है, दोनों ग्रुपों को पकड़ के अंदर ठोक दिया गया। ऐसे ही जैसे गैंगस्टर्स होते हैं आपस में वो पंगेबाजियां करते हैं, इसका मैच से क्या ताल्लुक है? और इसका इंग्लैंड की सिक्योरिटी प्लान और होटल कहाँ, ग्रुप्स कहाँ? देखिए छोटे छोटे ये जैसे आप में से भी कुछ आ जाते हैं ना कभी कभी, इस तरह के कुछ होते हैं तो कोई मसला नहीं है। देखिए इंग्लैंड वाले ज्यादा आपसे और हमसे ज्यादा कंसर्न होते हैं अपनी सिक्योरिटी, वो नहीं रखते इस पर इतनी सी भी। भाई वो आपको पता नहीं है, ये जो पंजाब का कल्चर है या जो पंजाब आप अपने भी देखेंगे, ये गन वंस रखते हैं क्योंकि ये बदकिस्मती है, अमेरिका जैसा मुल्क सबसे ज्यादा गन्स होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तो बिल्कुल आपको क्लियर बताएंगे, कोई ऐसी चीज नहीं। उन्हें पकड़ के ठोक दिया कि भाईजान इंग्लैंड की टीम आई हुई है, ये जो आप बरसाती जैसे शोएब अख्तर मुंह से फायरिंग करता है, इसी तरह आप भी फायरिंग ना करें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, कोई ऐसी बात नहीं है। बाकी अब सेंसेशनलिज्म जिसने फैलाना है फैलाए, इसका कोई तलक नहीं सिक्योरिटी ब्रीच या सिक्योरिटी इश्यूज या मैच के साथ गैंगस्टर थे। चल नहीं है कोई ट्विटर पे, कोई उधर या कुछ दोस्त हमारे इंडिया से उस पर स्पेशल शोज कर रहे हैं, चले करने दें, स्पेशल जो अंदाजा, ठीक है, अच्छी बात है ना, स्पेशल शोज कर रहे हैं, करने दें, करने दें, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बाकी हमारी टीम पे गुस्सा बढ़ा है जनाब, उनको बहुत गुस्सा। यार देखिए गुस्सा आपका जायज है, जो लोग मुझे क्वेश्चन कर रहे थे कि मोहसिन अली का शोर जो है वो टी टाट है, तो हो गई ना बड़ों की बीसीसीआई की बैठक बांग्लादेश टूर के हवाले से भी सारी बातें हो गई, चेक कर लें अगर मेरी बात गलत हो। जिसको फॉलो करते हैं आप इंडिया में उनसे पूछ लीजिएगा हुई है बैठक के नहीं। जी हाँ जी, तो कोई घबराने की बात नहीं है, ये कुछ लोग अननेसेसरी इसको, और ज़्यादा तो उधर जा रहे के बॉर्डर पार से ही लगे हुए हैं कि इसको वो करने के लिए कि जनाब ऐसा है, डिटेल में हमने आपको बता दिया, ऐसी कोई बात नहीं है कि जो टीम या देखे इट मेक सेंस कि अगर अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता तो सबसे पहले हम ही आवाज़ उठाते, जी बड़ा मसला हो गया तो इनको जल्दी से जल्दी, हमसे पहले इंग्लैंड आवाज उठाता, रिजवान हैदर आवाज क्या उठाता, हमसे पहले हाँ बढ़िया बिस्तरा उठाता और हो गया कि हम नहीं खेलते। उधर रनवे पे जहाज बुलाना था एक कॉल, चलो जी ठीक है बोरिया बिस्तरा और चलो जा रहे हैं। चैंपियनशिप में किन दो टीम्स का चांस ज्यादा लग रहा है? देखिए जी चांस तो ज्यादा ईमानदारी की बात है, ऑस्ट्रेलिया तो ऑलमोस्ट पहुंच गया और इंडिया और साउथ अफ्रीका में बेचा है। अब केएल राहुल कप्तान है, रोहित शर्मा पहले टेस्ट से तो कंफर्म आउट है, दूसरे टेस्ट में आ जाए तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन पहला टेस्ट बहुत मैटर करेगा, केएल राहुल कप्तानी करेगा। अब इसके आगे मैं क्या बोलूं, आप खुद समझदार हैं,
पाकिस्तान का गोल्डन चांस होता अगर ये चार टेस्ट मैचेस जो घर में खेल चुके हैं उसमें अच्छा परफॉर्म करते। आपने 48 में से सिर्फ 8 पॉइंट लिए हैं, 48 में से 8 पॉइंट, बस काम खत्म हो गया। बाकी आप क्या खेलना है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन का फाइनल। इंडिया का चांस है, ऑस्ट्रेलिया टॉप पे है, नो डाउट अबाउट इट। बाकी ये देखना है कि आप साउथ अफ्रीका कैसे खेलता है, जाके तीन मैच उनके हैं वहाँ पे, और फिर उन्हें खैर वेस्ट इंडीज से भी घर में दो मैच खेलने, तो देखते हैं। साउथ अफ्रीका के भी अच्छा चांस है, इंडिया ये तीन टीमों को ज़्यादा अब चांसेस हैं। न्यूजीलैंड दो मैच देखें वहाँ पे जाके खेलेगी, श्रीलंका न्यूजीलैंड में, तो चांसेस ब्लीक हैं। और पाकिस्तान के भी अब इन्होंने खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार ली, इतना गोल्डन चांस था, अब इनके भी चांसेस जो हैं कम से कम होते जा रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया इंडिया एंड साउथ अफ्रीका दे आर इन कंटेंशन। बाकी अगर ये कोई मौजज़ा चमत्कार हो जाए, ये चारों मैच जीत जाएं, तो फिर शायद कोई हल्की सी होप निकल आए पाकिस्तान की। धवन इज प्लेइंग जस्ट बिकॉज ही इज फ्रेंड ऑफ रोहित शर्मा। धवन पूरा मोमेंटम खराब कर देता है जनाब, अपनी जगह के लिए टीम को बर्बाद कर देता है जनाब। केएल राहुल किसका दोस्त है? चलें, धवन ने तो ओवर द इयर्स ये मानने वाली बात है कि बहुत परफॉर्मेंसेस भी दी हैं, इसमें कोई शक नहीं है, अभी बैठ गया। लेकिन मुझे ये बताएं कि केएल राहुल क्या कर रहा है, मतलब कप्तानी आपने मजाक बना दिया, कप्तानी आपने समझा हुआ बच्चों का, इज इट अ किड्स जॉब? लास्ट ईयर यू फॉरगेट, आई टोल्ड यू गाइज, आई वॉन्ट यू गाइज कि यू आर नॉट रिमूविंग कोहली, आप थप्पा लगा रहे हैं। अजय अजय कह रहे हैं जी राहुल गुड प्लेयर है और एक दिन वर्ल्ड कप जिताएगा। जी जी जरूर जरूर, अगर एक ही टीम का हुआ तो। एक ही टीम का क्या हुआ? हाँ मतलब मुकाबला ना हुआ तो वही जीत जाएगा। ऐसा तो नहीं, हाँ तो फिर ऐसे ही है भाई, मैं नहीं मानता जो बंदा प्लेट में रख के आईपीएल टाइटल ना जिता सका हो इतना इतने सालों से। अब ये कहेंगे विराट ने भी नहीं जिताया, लेकिन भाई नहीं सही है, लेकिन भाई जन बात यह है, विराट का कोई ये तो नहीं कहता कैप्टनसी मटेरियल नहीं है, विराट पे ये तो कोई नहीं कह सकता डर जाता है, विराट पे ये तो कोई नहीं कह सकता कि किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, इसका तो होता है कि ये खुद ही कांप रहा है, तो आगे से किस बिल्ली की आमद है कि राहुल कांप रहा है। हम देखो वही बात है कि कौन सा ऐसा शॉट है जो इसके पास नहीं है, कट इतने अच्छे खेलता है, पोल एंड हुक शॉट इतने अच्छे खेलता है, स्पिनर्स को छक्के ऐसे लंबे लंबे मारता है, और फ्लिक भी अच्छा है, कवर्स पे भी अच्छा खेलता है, ही इज गुड अगेंस्ट द स्पिनर्स, अगेंस्ट द फास्ट बॉलर्स, और जब ये अग्रेसिव मोड में खेलता है ये बहुत ही डेंजरस बैट्समैन बन जाता है। ऐसा शैल में गया 28 गेंदे 14 एक चौका भी नहीं, यार कोई खुदा का खौफ करो यार तुम, मतलब हद हो गई है, ऐसा भी क्या खौफ यार, वो निकल के मारो ऊपर से एक दो चौके छक्के, वो अय्यर ने भी तो मारे, हाँ लेकिन उसका दिमाग थोड़ा सा वो छक्के मार के वो कहा कि बस यही तरीका है, हालांकि वहाँ पे सिंगल डबल क्योंकि उसने एवरेज सेट कर दी थी, अब सिंगल डबल का ही काम था आगे तक लेके जाता, लेकिन वो आउट हो गया। बहरहाल ये केएल राहुल इतना ज़्यादा बॉग डाउन, इतना ज़्यादा उसमें शेल में जाने की क्या ज़रूरत है यार, शेल का पेट्रोल पंप इतना अच्छा नहीं मिलता, पंप भी पेट्रोल भी इतना अच्छा नहीं है, तो आप कोई कैल्टस मेल्टस कोई टोटल मोटल जाओ और निकल के चौके छक्के मारो। नो डाउट दोस्तों, के राहुल और शिखर धवन दोनों ही अपनी अपनी जगह बहुत ही शानदार खिलाड़ी हैं। धवन और राहुल में पर्सनली मेरी राय में के राहुल इज मच 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 बेटर देन शिखर धवन, लेकिन कप्तानी दूर दूर तक कोई सरोकार नहीं है के राहुल का, बिल्कुल नहीं। बैट्समैन एज ए बैट्समैन कोई डाउट नहीं है कि वे किसी से कम नहीं हैं, खतरनाक उतने ही हैं जितने कि रोहित शर्मा, जितने कि विराट कोहली और भी कोई दूसरा इंडियन बैट्समैन, लेकिन मूड और फॉर्म दोनों भी कोई चीज़ होती है भाई, जो कि शिखर धवन के पास हाल फिलहाल नहीं है। देखते हैं कल के मैच में क्या होगा, कैसी होगी कप्तानी, कौन होगा कप्तान पहले तो यही देखते हैं, कन्फर्मेशन आज जाने दीजिए, आज शाम तक क्लियर हो जाएगा। आप भी अपनी राय जरूर बताइएगा, मिलते हैं शाम के वीडियो में। जय हिंद।